दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग की तरफ से यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस जारी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है। सीधी भर्ती है, ओनली साक्षात्कार के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हों, तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटरव्यू में जाइए। दोस्तों, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जारी की गई है, यहाँ पे जो है अंशकालीन संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका इंटरव्यू का डेट आपको यहाँ पे दी गई है 15, 16 एवं 17, ये जो है आपका इंटरव्यू का डेट दिया गया है, जिसमें कि पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है दी गई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट डेट में जो है आपका इंटरव्यू ली जा रही है। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग में जो है पत्रातु संकुल के अंतर्गत जो 6 केंद्रीय विद्यालय आते हैं, जैसे कि पत्रातु केंद्रीय विद्यालय हो गया, बड़काकाना केंद्रीय विद्यालय, भुरकुंडा केंद्रीय विद्यालय, हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इन सभी में यहाँ पे जो है TGT, PGT, PRT, कंप्यूटर प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक एवं नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है साक्षात्कार के माध्यम से। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल जो भी यहाँ पे जो विद्यालय दिए गए हैं, इन सभी में जाकर जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका साक्षात्कार की तिथि निकाली गई है विषय के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 15 मार्च 2023 को जो इंटरव्यू ली जा रही है PGT के लिए, जिसमें कि जो विषय दी गया है भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं इतिहास, इन सभी का जो है 15 मार्च 2023 को जो है आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। 16 मार्च 2023 को जो है स्नातक शिक्षक यानी कि TGT के लिए जो लोग यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनका जो है यहाँ पे 16 मार्च 2023 को जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको क्वालिफिकेशंस यहाँ पे CTET जो है पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक यहाँ पे जो है रखा गया है। ठीक है, PGT एवं TGT के लिए दोस्तों, जो भी आपका पत्रातु संकुल के उपरोक्त 6 विद्यालय है, इन सभी में जो है TGT PGT की यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है साक्षात्कार के माध्यम से। यानी कि पत्रातु, बड़काकाना, भुरकुंडा, हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा जो भी केंद्रीय विद्यालय है, इन सभी में जो है PGT एंड TGT की इन सभी सब्जेक्ट के टीचर्स की यहाँ पे जो है नियुक्ति की जाएगी साक्षात्कार के माध्यम से। वहीं पे 17 मार्च 2023 को यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू ली जा रही है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि जो पोस्ट दी गई है PRT के लिए दिया गया है, कंप्यूटर प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक एवं नर्सिंग स्टाफ, इन सभी का जो है 17 मार्च 2023 को जो है आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। PRT के लिए जो है CTET पेपर 1 जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, एंड कंप्यूटर प्रशिक्षक विभाग में जो है प्राथमिक एवं माध्यमिक के टीचर्स के लिए जो है यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है साक्षात्कार के माध्यम से, जो कि आपका केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपका 17 मार्च 2023 को जिनका यहाँ पे इंटरव्यू ली जा रही है, तो ओनली फॉर हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा में जो केंद्रीय विद्यालय हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आगे कंडीशंस रखी गई है इस इंटरव्यू में जाने के लिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस ली जाएगी, कौन से वेन्यू में जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो पात्रता एवं मानदेय के लिए कृपया केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग की जो वेबसाइट दी गई है http://bsfhazaribagh.kvs.ac.in पर जाएं। योग्यता के पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपनी मूल प्रमाण पत्र केवल सत्यापन के लिए एवं समस्त प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं वर्तमान का पासपोर्ट आकार का तस्वीर के साथ संबंधित विषय के साक्षात्कार के लिए विद्यालयों में दिए गए दिनांक को प्रातः 8:30 से 10:30 तक जो है रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें जाकर जो है जो भी आपका योग्यता यहाँ पे लिया जाएगा, इन सभी जो है आपका दिया गया है। तो दोस्तों, जिस विषय में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर TGT PGT के लिए, तो उस विषय में जो है आपका यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर जो है MA मास्टर डिग्री, ये जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप स्नातकोत्तर यानी कि PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। TGT के लिए जो है सिंपल आप ग्रेजुएशन किए होंगे, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो है आपका CTET पेपर 2 जो है आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक मांगा गया है, जो कि TGT पोस्ट के लिए। दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लॉगिन करके जो भी सारा डिटेल्स दिया गया होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो पत्रातु KVS का जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है https://patratukvs.ac.in, इसमें भी जाकर जो है आप इसका फुल डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।